हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंग ऑन थ्योरी सो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक को इन्वॉल्व कराने जा रहे हैं जो कि है गवर्नमेंट स्कीम्स और स्कॉलरशिप को लेके तो बेसिकली आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स जो कि गर्ल एजुकेशन के लिए हैं जिसमें आप हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स प्रोवाइडेड हैं गर्ल्स के लिए और साथ ही साथ कुछ प्राइवेट फॉर्म्स हैं जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं गर्ल एजुकेशन के लिए तो हम उनको भी जानेंगे और साथ ही साथ वीडियो में हम देखेंगे कि हाँ हम इस्कालरशिप uh, लिए स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है और लिंक भी हम बताएंगे कि कहाँ से आप जाके स्कॉलरशिप्स के लिए इन करा सकते हैं तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर दें तो जो सबसे पहली स्कॉलरशिप है वो हमारे पास है वो लोरियाल इंडिया फॉर यंग वुमेन इन साइंस स्कॉलरशिप है बेसिकली ये गर्ल्स स्टूडेंट्स uh, के लिए हैं जो कि अंडर दी एफ वाई डब्ल्यू आई एस स्कॉलरशिप स्कीम है जो कि गर्ल एजुके गर्ल्स स्टूडेंट्स हुए पास दैट ट्वेल्थ एग्जामिनेशन इन साइंस स्ट्रीम बेसिकली गर्ल्स के लिए है जो ट्वेल्थ जिन्होंने अपना साइंस स्ट्रीम के साथ पास किया है उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम है और अकेडमिक ईयर उनका होना चाहिए टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी एंड ऑल आर इनरोल्ड इन अंडर ग्रेजुएट बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम सो हम बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए इन रोल कर सकते हैं और स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप uh, का जो अमाउंट है वो है टू पॉइंट टू पॉइंट फाइव लैक्स का सो so, ग्रेजुएशन के लिए है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम अगर देखते हैं तो हमें ओपन फॉर वुमेन कैंडिडेट्स ओनली हुआ पास द ट्वेल्थ इन साइंस स्ट्रीम सो साइंस स्ट्रीम से होना जरूरी है साथ ही साथ ट्वेल्थ पास आउट होना जरूरी है अकेडमिक ईयर हमारा रहेगा टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी का फ्राम इंडिया दे मस्ट हैव स्कोर एटलीस्ट एटी फाइव परसेंट इन पी सी एम पी सी बी और पी सी एम बी बेसिकली एटी फाइव परसेंट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कंबाइन करके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कंबाइन करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायो का कम्बाइन करके इन क्लास ट्वेल्थ एग्जामिनेशन तो ट्वेल्थ के लिए एटी फाइव परसेंट इन तीनों सब्जेक्ट का सेट होकर होने चाहिए साथ ही साथ द एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली शुड नॉट एक्सीड फोर लैख रुपीज सो द मैक्सिमम एज ऑफ द एप्लीकेंट शुड बी नाइनटीन ईयर ऑन एज मे थर्टी फर्स्ट सो एज एज क्राइटीरिया भी हमें यहाँ देखने को मिला है जो कि है नाइनटीन ईयर्स का सो दे मस्ट बी टेकिंग एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेना होगा साथ ही साथ साइंस की रिलेटेड फील्ड से अकेडमिक ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन और कैंडिडेट अगर एक साल का गैप भी रखते हैं तो वो एलिजिबल नहीं रहेंगे बिकॉज गैप इसमें अलाउ नहीं है और अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की जाए तो स्कॉलरशिप का अमाउंट रहेगा 2.50 पॉइंट लैक फॉर ग्रेजुएशन एंड एप्लीकेशन की डेडलाइन है अक्टूबर 15। अब अगली जो स्कॉलरशिप है वो है लेग्रैंड स्कॉलरशिप सो ये पावर्ड बाय लेग्रैंड दिस स्कॉलरशिप एम टू सपोर्ट द मेरी टूरस गर्ल्स स्टूडेंट्स्यू अर करियर इन इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर सो बेसिकली इंजीनियरिंग में अगर कोई गर्ल्स अपना स्कोप या करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी है साथ ही साथ आर्किटेक्चरिंग के लिए भी जो इंटरेस्टेड गर्ल्स हैं उनको एक एड प्रोवाइड कराने के लिए ले ग्रैंड का ही प्रोग्राम चलाया हुआ है तो द एजुकेशन ड्रीम ऑफ अंग वुमेन थ्रू द्कॉलरशिप सिंस टू थाउजेंड एटीन एटीन नाइनटीन से चलती आ रही है और साथ ही साथ ही हर साल एक स्कीम निकलती है गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोशन प्रमोट कराने के लिए और अंडर दिस स्कॉलरशिप अकेडमिकली प्रामिस गर्ल्स स्टूडेंट विल रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस असटेंस फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए है एंटायर द ड्यूरेशन ऑफ देयर बी टेक और बी ई और बी आर प्रोग्राम सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो ओपन फॉर इंडियन गर्ल्स हुआ है पास ट्वेल्थ इन ट्वेंटी ट्वेंटी मतलब ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ पास होना चाहिए ईयर हमारा है ट्वेंटी ट्वेंटी एंड दे मस्ट हैव स्कोर मिनिमम सेवेंटी फाइव परसेंट क्राइटेरिया है यहाँ परसेंटेज का इन क्लास टेंथ और ट्वेल्थ दोनों बोर्ड एग्जाम्स में सेवेंटी फाइव परसेंट आना कंपलसरी है साथ ही साथ उनको अगर वो बी टेक बी प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड हैं एकेडमिक ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन में तो किसी भी कॉलेज से वो कर सकते हैं एनुअल इनकम फैमिली की होनी चाहिए फाइव लैक्स एंड स्कॉलरशिप का अमाउंट है सिक्सटी परसेंट ऑफ ट्यूशन फीस रुपीज सिक्सटी थाउजेंड पर एन और एप्लीकेशन की डेडलाइन अगर देखी जाए तो वो है अक्टूबर थर्टी तो जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कीजिएगा बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है निकली हुई है गर्ल्स एजुकेशन को आज के टाइम में अगर कोई इनिशिएट कर रहा है पढ़ाने के लिए तो बहुत ही अच्छा एक एक्शन एक लिया जा रहा है तो आप अप्लाई करें और फ़ायदा लें स्कीम्स का अगली जो स्कीम है वो है ए ई की तरफ से प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स गर्ल्स के लिए है ये भी दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय ए आई ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन तो अभी तक हम देख रहे हैं तो वो टेक्निकल एजुकेशन और आर्किटेक्चरिंग को लेकर हम स्कीम्स देख रहे हैं जो कि गर्ल्स को प्रमोशन दे रहे हैं एजुकेशन फील्ड में Under अंडर दिस प्रोग्राम अ टोटल girl student are provided with financial assistance. So फाइव थाउजेंड girls ये मतलब एक नंबर है यहाँ पे जिसमें फाइव थाउजेंड गर्ल्स को यहाँ पे एक financial aid provide की जा रही है और किस चीज के लिए वो है technical diploma या degree course जो भी वो करना चाहते हैं उनके लिए अप टू टू गर्ल्स ऑफ a फैमिली कैन अवेल बेनिफिट अंडर दिस स्कीम अगर किसी फैमिली में दो लड़कियां हैं तो वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सकती हैं और द की ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कॉलरशिप्स टू एम्पावर यंग गर्ल्स सो जैसे कि हम कहते रहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट गर्ल एम्पावरमेंट सो उसी चीज़ को बढ़ावा देते हुए ये स्कीम है विद द नॉलेज एंड स्किल्स एंड सॉल्व सेल्फ कॉन्फिडेंस सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द कंट्री मतलब कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम्स हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं तो ओपन फॉर गर्ल्स हु आर अ टेक्निकल डिग्री डिग्री डिप्लोमा कोर्स इन दी फर्स्ट ईयर ऑफ और सेकेंड ईयर मतलब कोई भी अगर स्टूडेंट गर्ल गर्ल स्टूडेंट है वो कोई टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं अगर वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है तो वो भी इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं साथ ही साथ टेन प्लस टू इक्वलेंट एग्जाम मतलब उनका परसेंटेज भी कैलकुलेट किया जाएगा और फैमिली की जो एनअल इनकम है वो आपकी होनी चाहिए लेस देन एट लाख रुपीज पर एन एम सो so, अप्लाई करने के लिए अगर हम देखते हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेस में हमें सिंपल ऑनलाइन थ्रू नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे हमें जाके फॉर्म गूगल पे अगर हम सर्च भी करते हैं तो हमें इजीली मिल जाएगा और स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो है फिफ्टी थाउजेंड पर एन और एप्लीकेशन की डेडलाइन है अक्टूबर थर्टी फर्स्ट तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए गवर्नमेंट स्कीम है और गर्ल्स के लिए है तो बहुत ही अच्छी बात है अब अगली जो स्कीम है वो है शिक्षा की उड़ान स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर गर्ल्स ये भी गर्ल्स के लिए है दिस प्रोग्राम इज अ सी एस आर इनिशियेटिव ऑफ समीक्षा माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड टू सपोर्ट मेरिटस गर्ल्स स्टूडेंट हु टू इकनोमिकली वीकर सेक्शन मतलब जो लड़कियाँ थोड़े वीक सेक्शन से मतलब फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होती उनकी फैमिली कंडीशन तो उनके लिए स्कॉलरशिप है और द स्कॉलरशिप एम टू रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट अमंग्स द गर्ल स्टूडेंट हुआ फेसिंग फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट टूवर्ड कंटिन्यूंग स्टडीज सो स्टडीज के लिए जो उनको प्रॉब्लम्स फेस होनी फेस करनी पड़ती है फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो तो उनको रिजॉल्व कराने के लिए स्कीम प्रोग्राम है शिक्षा की उड़ान और एलिजिबिलिटी अगर हम देखते हैं तो ओपन फॉर गर्ल स्टूडेंट हुआ रेजिडेंट ऑफ बिहार एंड उड़ीसा सो एक हमें अच्छी चीज़ यहां पे देखने को मिली है कि ये स्टेट वाइज है बिहार और उड़ीसा के रूरल एरियाज में इम्प्रूवमेंट uh, के लिए हैं दे मस्ट बी स्टडिंग इन क्लास एलेवेंथ द्लिकेंट्स मस्ट हैव स्कोर मोर देन सिक्सटी परसेंट मार्क्स इन टेंथ बोर्ड एग्जामिनेशन सो टेंथ में सिक्सटी परसेंट मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए और एनअल इनकम होनी चाहिए तीन लाख से कम और कैंडिडेट आर करंटली समस्त माइक्रो फाइनेंस कस्टमर और परस्पेक्ट कैन ऑल्सो अप्लाई सो अगर कोई कैंडिडेट समस्त माइक्रो फाइनेंस कस्टमर हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं अप्लीकेशन का प्रोसेस बता दिया है और स्कॉलरशिप का अमाउंट फाइव थाउजेंड है एप्लीकेशन की डेडलाइन है अक्टूबर फिफ्टीन और अब अगली जो स्कॉलरशिप है वो है पोस्ट ग्रेजुएट इंद्रा इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर किसी फैमिली में सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए स्कॉलरशिप है इंट्रोड्यूस बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी इन दिस स्कीम सपोर्ट थ्री थाउजेंड गर्ल स्टूडेंट एवरी ईयर हर साल तीन तीन हजार गर्ल्स स्टूडेंट्स को ही प्रमोट करते हैं स्कॉलरशिप के लिए और इनेबल दैम्स टू परस्यू द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रमोट करते हैं कि गर्ल्स उसमें एनरोल कर सकें एप्लीकेशन और इस स्कीम का फायदा उठा सकें अपने एजुकेशन को लेके अपने करियर को एनहैंस कर सकें तो की ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन गर्ल एजुकेशन को प्रमोशन के लिए स्कीम है एलिजिबिलिटी की बात करें तो ओपन फॉर गर्ल्स अप टू थर्टी ईयर ऑफ एज दे मस्ट बी ओनली अ चाइल्ड ऑफ फैमिली दे मस्ट हैव टेकन एडमिशन इन दी फर्स्ट ईयर ऑफ आर रेगुलर फुल टाइम मास्टर डिग्री मास्टर डिग्री के लिए ये प्रोग्राम है आपका और किसी भी डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटी और कॉलेज से हम करते हैं तो उसके लिए भी एलिजिबल है इसमें और एप्लीकेशन थ्रू दी ऑनलाइन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यहाँ पे हम गूगल सर्च करते हैं इसी नाम से तो हमें मिल जाएगा और इस्कॉलरशिप का अमाउंट है थर्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड पर एन फॉर टू ईयर्स टू ईयर्स के लिए हमें मिलेगा और एप्लीकेशन की डेड है अक्टूबर थर्टी सो ये कुछ स्कॉलरशिप थी जिनसे हाँ बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है अगर आप एलिजिबल हैं और आप गर्ल स्टूडेंट हैं आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप इजीली इसमें अप्लाई करिए हो सकता है कि, कि ये गवर्नमेंट और प्राइवेट इनिशिएट आपकी हेल्प कर सकें आपके करियर में इम्प्रूवमेंट ला सकें तो जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि लिमिटेड जैसा कि हम बताते जा रहे हैं कि लिमिटेड प्रोग्राम चलता है So thanks for watching, please support our channel, join and follow us.